हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे स्टफ टॉर्टिया। इसके लिए सबसे पहले 2 चम्मच दही के ले लें। अब डालें कुटा हुआ अदरक 1 बड़ा चम्मच, लहसुन 1 बड़ा चम्मच, लहसुन का अचार 1 बड़ा चम्मच, ये ऑप्शनल है। नमक स्वाद अनुसार डालें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। 1 छोटा चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च डालें। 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। छोटे छोटे पीस पनीर के डाल दें, ये 200 ग्राम पनीर है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 1 छोटा चम्मच गरम तेल का डाल दें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और इसे 15 मिनट के लिए अब हम इसे ढक के रख देंगे। अब वेजिटेबल्स को मैरिनेट कर लेते हैं। खीरे और प्याज में 1 बड़ा चम्मच सिरके का डाल दें। अब थोड़ा थोड़ा नमक डालें पूरी वेजीज में। काली मिर्च डालें और फिर इसे मिक्स कर लें। पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। तेल को गर्म होने दें। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर डालें। इसमें आप 1 ड्रॉप रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। पनीर अच्छे से पक गया है, इसका पानी सूख गया है। टॉर्टिया का रैप ले लें, इसे सेंटर में से थोड़ा सा काट लें। अब स्प्रेड करें चिली गार्लिक सॉस, अच्छे से इसे फैला दें। पनीर के 4-5 पीस डाल दें। कटी हुई पत्ता गोभी डालें। टमाटर रख दें। एक साइड में प्याज रख दें और खीरा भी रख दें। अब चीज डाल दें। चीज में कंजूसी मत करना, इससे टॉर्टिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो चीज को भर भर के डालो। अब इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब तवे पे इसे पका लें। बटर डाल दें। लो फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में इसे पलटते रहें, जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। और बड़े ध्यान से पलटें, क्योंकि फिलिंग निकलने का ना थोड़ा सा डर रहता है, तो ध्यान से इसको पलटें। वाओ, ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, तो मुंह में आ रहा है ना पानी। तो प्लीज इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं, और मेरे चैनल सोनू की रसोई को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।